तो अभी हमारा YouTube ओपन है, मैं यहाँ पे YouTube पे सर्च कर लेता हूँ, मैं अपना नाम सर्च कर लेता हूँ, मोहित KEWAT, मैं अपना नाम सर्च कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कीवर्ड्स में डाला था मोहित केवटे। तो अभी देखते हैं हमारा चैनल आता है या नहीं। तो अभी आप देख सकते हो सबसे ऊपर मेरा चैनल दिख रहा है डिजिटल मोहित। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। माय नेम इज मोहित एंड यू आर वॉचिंग डिजिटल मोहित। बहुत से यूट्यूब क्रिएटर है जिनको पता नहीं कि अपना चैनल सर्च लिस्ट में कैसे लाए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप अपने चैनल को सर्च लिस्ट में ला सकते हो, जिससे आपका चैनल फर्स्ट नंबर पे दिखेगा। ये मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा अपने चैनल का प्रैक्टिकल वर्क करके कि मैंने जब कीवर्ड सेट किए थे अपने चैनल के लिए तो कैसा मेरा चैनल सर्च लिस्ट में टॉप पे आ चुका है। तो गाइस वीडियो में बने रहिए, वीडियो काफी नॉलेजेबल होने वाला है अगर आपको अपना चैनल सर्च लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे लाना है। तो गाइस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप स्किप कर दोगे तो आपको समझेगा नहीं। तो गाइस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करना, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, बिकॉज आज का वीडियो काफी नॉलेजेबल होने वाला है। तो गाइस चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे, जहां पे अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि आपको कैसे अपने चैनल को सर्च लिस्ट में लाना। तो गाइस सबसे पहले आपको अपना YouTube स्टूडियो ओपन कर लेना है। आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो, अपने डेस्कटॉप से भी कर सकते हो। जिस चैनल को आपको सर्च लिस्ट में लाना है उस चैनल से आपको लॉगिन कर लेना है और उसके YouTube स्टूडियो पे आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग का, आपको सेटिंग में जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी सेटिंग है अगर आप अपने चैनल को सर्च लिस्ट में लाना चाहते हो। तो आपको यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा चैनल का, सेटिंग में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा चैनल का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको बेसिक इन्फो में फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा चैनल नेम, सेकंड है कंट्री ऑफ रेसिडेंस, आपका चैनल कहाँ से बिलोंग करता है, और थर्ड है कीवर्ड्स। तो इस फील्ड में आपको आपके चैनल के कीवर्ड्स डालना है जिससे आपका चैनल रैंक में आएगा। अभी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे डिजिटल मोहित, अनबॉक्सिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, आईटी मेन्यू, आधार कार्ड, वर्डप्रेस, वेब डिजाइनिंग, मोहित केवटे, मेरा पूरा नाम लिखा है मैंने यहाँ पे, डिजिटल मोहित, डिजिटल और मोहित के बीच में स्पेस दिया है, डिजिटल मोहित नागपुर, काइनमास्टर ट्यूटोरियल, कैनवा ट्यूटोरियल, मोहित केवटे। तो ऐसे मैंने ये कीवर्ड्स दिए, ठीक है। अगर आपका चैनल होगा टेक्निकल रिलेटेड तो आप अपने चैनल के कीवर्ड्स दे सकते हो। अगर आपका चैनल का नाम होगा तो आप अपने चैनल का नाम दे सकते हो, अपना पूरा नाम दे सकते हो। जब कभी भी कोई यूट्यूब पे सर्च करेगा उस कीवर्ड को तो आपका चैनल पहले नंबर पे दिखेगा, चाहे वो यूट्यूब पे हो चाहे वो गूगल पे हो, तो जो लोग वो दिखेगा। मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि चैनल सच में टॉप पे आता है या नहीं। तो अभी देख लो, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ YouTube टिप्स एंड ट्रिक्स, तो ये मैंने अपना एक दे दिया, और एक लिख लेता हूँ डिजिटल मोहित वीडियोस। अगर कोई ये सर्च करेगा तो वहां पे मेरे वीडियोस टॉप पे दिखेंगे। तो यहाँ पे सिंपली आपको अपने चैनल के कीवर्ड्स डालना है। अगर आपका चैनल का नाम होगा टेक्निकल, टेक्निकल मनोज, टेक्निकल श्याम, टेक्निकल राज, तो आप अपना चैनल का पूरा कीवर्ड डालें ताकि जब कभी भी कोई सर्च करे तो उसको पहला आपका चैनल दिखे। अगर बहुत सारे एक ही नाम से चैनल होंगे तो अगर आपको उसमें से टॉप पे लाना है तो आपको ये करना बहुत जरूरी है, कीवर्ड्स में आपको अपना डालना है। तो यहाँ पे आप मल्टीपल कीवर्ड्स डाल सकते हो अपने चैनल रिलेटेड, आप अपने चैनल में क्या बताते हो अपनी कैटेगरी वाइज, इसमें आप कीवर्ड डाल सकते हो, पर इसको सिंपली आपको कर देना है सेव। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक सेटिंग जिसके थ्रू आप ये कर सकते हो। उसके बाद अभी आपको मैं सर्च करके दिखाता हूँ अपने चैनल पे। तो अभी हमारा यूट्यूब ओपन है, मैं यहाँ पे यूट्यूब पे सर्च कर लेता हूँ, मैं अपना नाम सर्च कर लेता हूँ मोहित KEWAT, मैं अपना नाम सर्च कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कीवर्ड्स में डाला था मोहित केवटे। तो अभी देखते हैं हमारा चैनल आता है या नहीं। तो अभी आप देख सकते हो सबसे ऊपर मेरा चैनल दिख रहा है डिजिटल मोहित। तो आप देख सकते हो कीवर्ड की पावर क्या है। अगर मैं कीवर्ड मैंने सेट नहीं किया होता तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट नंबर पे चैनल नहीं दिखता, ठीक है। अगर मैं और एक सर्च कर लेता हूँ मोहित केवटे नागपुर, ठीक है, ये भी मैं कीवर्ड सर्च करके आपको दिखा देता हूँ। अभी आप देख सकते हो मेरा जो फर्स्ट नंबर पे जो आया है मेरा चैनल फिर से आ चुका है डिजिटल मोहित करके। तो इस कीवर्ड की पावर ये है कि आप यूट्यूब पे फर्स्ट नंबर पे अपना चैनल रैंक कर सकते हो। ये तो फर्स्ट स्टेप हो गई। अगर मैं आपको और एक स्टेप बताऊं जिसकी वजह से आप अपने चैनल को और रैंकिंग में ला सकते हो, वो है आपको अपने हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैशटैग अपने चैनल का नाम यूज करना है। आपने देखा होगा इस वीडियो में भी, आप देखना, मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में यूज करता हूँ हैशटैग डिजिटल मोहित। मैं YouTube पे ही नहीं, मैं हर वीडियो पे, हर पोस्ट पे, Facebook पे, Instagram पे, जहां जहां मैं डालता हूँ तो वहां वहां मैं हैशटैग डिजिटल मोहित यूज करता हूँ। क्यों यूज करता हूँ, वहां से अगर
किसी ने भी गूगल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सर्च किया हैशटैग डिजिटल मोहित, तो उसको मेरे सारे फोटोज, मेरे सारे वीडियो, मेरा यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, फेसबुक चैनल, सब कुछ ए टू जेड एक ही जगह पे मिलेगा। कैसे मिलेगा अभी मैं आपको गूगल पे सर्च करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी हमारा गूगल ओपन है, यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ हैशटैग डिजिटल मोहित। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी सर्च है, मैंने हैशटैग डिजिटल मोहित अगर मैं सर्च करता हूँ तभी आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले मेरा फेसबुक का नाम है, फिर उसके बाद मेरा फेसबुक है, उसके बाद मेरा यूट्यूब का आपको यहाँ पे लिंक दिख रहा होगा, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल। ठीक है, ये जहाँ जहाँ मैंने हैशटैग मोहित, हैशटैग डिजिटल मोहित यूज किया वहां वहां दिख रहा है। ठीक है, और एक मैं यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ अपना मोहित केवटे। अगर मैं यहाँ पे मैं अपना नाम सर्च कर लेता हूँ मोहित केवटे और आपको इमेजेस में दिखा दूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी फोटो दिख रही है, मेरा यूट्यूब चैनल का थंबनेल दिख रहा है, ये भी चैनल का थंबनेल है, ये भी थंबनेल है, तो ये कैसे दिख रहा है? तो ये अगर आपको गूगल पे रैंक करना है तो आपको अपने चैनल पे, अपने डिस्क्रिप्शन में, अपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, आपको सब जगह हैशटैग अपने चैनल का नाम यूज करना है। जैसे मैं करता हूँ हैशटैग डिजिटल मोहित हर पोस्ट में, तो जैसे मैंने गूगल पे डिजिटल मोहित डाला तो आप देख सकते हो पूरे फोटोज मेरे आ गए, जहां जहां मैंने हैशटैग यूज किया हूँ वहां वहां मेरे फोटोज अभी आपको थंबनेल में दिख रहे होंगे। ठीक है, ये जैसे कि ये शॉर्ट्स में मैंने यूज किया था लोगो मेरा, ये फोटोज कवर फोटो में, जहां जहां डिजिटल मोहित मैंने यूज किया वहां वहां मेरा चैनल सर्च में आ रहा है। तो गाइस ऐसा आप अपने चैनल को अगर सर्च में लाना चाहते हो तो आप अपने चैनल सेटिंग में जाके फर्स्ट स्टेप आपको करना है चैनल के कीवर्ड्स आपको डिफाइन करना है। नए क्रिएटर्स अगर हो तो आप, अगर आप वीडियो क्रिएट बन, अगर आप वीडियोस बनाते हो यूट्यूब पे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपने चैनल का कीवर्ड्स कैसे सेट करते हैं। तो बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट सेटिंग है जिसके थ्रू आप अपने चैनल को रैंक कर सकते हो। अगर आपको गूगल पे भी रैंक करना है तो आपको हर जगह हैशटैग का यूज करना है, कीवर्ड्स का यूज करना है अपने चैनल रिलेटेड। तो वहां से अगर गूगल पे कोई अगर सर्च करता है तो आपका सब कुछ वहां पे दिखेगा, आपकी फोटो दिखेगी, आपका सब कुछ ए टू जेड वहां पे दिखेगा। तो आई होप गाइस वीडियो काफी अच्छा आपको लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, वीडियो क्रिएटर के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी पता चले कि वो अपने चैनल को कैसे रैंकिंग में ला सकते हैं, कैसे सर्च में ला सकते हैं। तो आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बिकॉज आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते ऐसे ही चले जाते। गाइस चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मिलते हैं अगले वीडियो में। Thank you all.